ज सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जियोस्फेयर एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द अर्थ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द अर्थ साइंस सो लेट इज स्टार्ट तो एज हम सबको पता ही है कि जो हमारी अर्थ है वो डिवाइडेड है तीन पार्ट्स के अंदर कोर मेंटल एंड क्रस्ट क्रस्ट इज द अपर मोस्ट पोर्शन मेंटल इज द मिडल एंड कोर इज़ द बेसिकली नामी इसका कोर है तो सेंटर पोर्शन है ना तो so, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो कोर है हमारी वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है आउटर कोर इनर कोर जो मेंटल है वो अपर मेंटल लोअर मेंटल साथ में हमारे पास यहाँ पे एस्थीनोसफेयर आ जाता है एंड देन हमारे पास ऊपर क्रस्ट बेसिकली वो भी दो पार्ट्स में अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट उन सब की हमें थिकनेस का भी ध्यान रखना है कि कितनी डेप्थ पे कौन सी लेयर ख़त्म हो रही है एंड वेरियस वेरियस लेयर्स के अंदर कॉम्पोजिशनली क्या क्या डिफरेंस आ रहा है तो इन सब चीज़ों को हमें समझना चाहिए एंड जो जियोस्फेयर है उसके अंदर जियोस्फेयर कॉम्प्राइजेज ऑल द स्फेयर प्रेजेंट इन द अर्थ फॉर एग्जाम्पल एटमोसफेयर लिथोसफियर क्राइस्फेयर हाइड्रोसफेयर एटमोसफेयर वी ऑल नो द गैसेस फेज है ना लिथोसफेयर में रॉक्स क्रायोस्फेयर में ग्लेशियर्स आइस स्नो हाइड्रोस्फेयर में वाटर and biosphere consists of the all the life present on the earth and all we know about that sun is the sun is the ultimate source of energy okay then we should start with in detail now so geosphere is basically geo means ground which include rocks and material minerals प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड ऑन द सर्फेस ऑल्सो लैंड फॉर्म्स प्रोसेस दैट शेप द अर्थ तो इसने सब कुछ बोल दिया कि जो भी अर्थ के रिलेवेंट जितने भी रॉक्स मिनरल्स लैंड फॉर्म्स इवन प्रोसेस जो अर्थ को शेप कर रहे हैं वो सब के सब इंटीरियर एक्सटीरियर दिज आर ऑल आर अंडर द जियोस्फीयर ओके ऑल पीपल अज्यूम दैट द अर्थ ज ए परफेक्ट स्पेयर पहले हम सोचते थे कि जो हमारी अर्थ है वो परफेक्ट स्पेयर है लेकिन ऐसा नहीं है अर्थ की शेप पे भी क्वेश्चन बन सकता है और और वी सेड शेप. हम के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे एक सेपरेट वीडियो में विच इज डू टू देंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द इक्वेटर इक्वेटर के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इनके रेडियस में डिफरेंस आ जाता है तो सेंटर टू रेडियस हमारा जो लेंथ है वो रेडियस है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द सेंटर टू नॉर्थ पोल एज वी कैन सी द डिफरेंस सिक्स थ्री सेवन एट सिक्स थ्री फाइव सेवन एंड ऑन एन एवरेज वी टेक इट एज सिक्स थ्री सेवन वन किलोमीटर ओके तो इन दोनों का हम लोग एवरेज लेके चलते हैं स्टडी ऑफ शेप अगर हम लोग शेप ऑफ़ द अर्थ की स्टडी करते हैं उसको बोल देते हैं जियोडेसी डी विच इज़ इंपॉर्टेंट साइंस फॉर अंडरस्टैंडिंग द ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट एंड हेल्प टू नेविगेट प्लानेट यूजिंग जी पी एस जियोडेसी ओ बेसिकली स्टडी ऑफ़ द शेप ऑफ द अर्थ होती है जिससे हम लोग जी पी एस की हेल्प से उसकी शेपिंग करने की कोशिश करते हैं ये सेपरेट ब्रांच है हमें इसकी डिटेल नहीं है और आप लोग यहाँ पे भी डायग्राम में देख सकते हो सॉलिड इनर कोर लिक्विड आउटर कोर मेंटल एंड एक पतली सी लेयर है क्रस्ट की तो अभी हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि जो कॉम्पोजिशन ऑफ द अर्थ है उसके अंदर ही हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी द स्टडी ऑफ पैसेज ऑफ सीस्मिक वेव थ्रू द अर्थ हैव हेल्प द नोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर एंड डिफाइनिंग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वेरियस लेयर्स तो इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो सीस्मिक वेव्स है हमारी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीस्मिक वेव्स का जो अच्छा हम लोग अगर सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स हो सकता है अर्थक्वेक ओके okay? तो जो सीस्मिक वेव्स हैं वो कैसे इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि अभी हम लोग इतनी डेप्थ के ऊपर नहीं जा सकते और ये नहीं बता सकते कि जो हमारी आउटर कोर है वो लिक्विड है ये किसने बताया ये सीस्मिक वेव्स जब रिलीज़ की गई तो उनके जो अफेक्ट्स नोट किए गए उनसे हमें पता चला कि जो हमारी अर्थ है वो कैसे कॉम्पोजिशनली वेरिएबल है कैसे कॉम्पोजिशनली वेरिएबल है तो ऐसे हमें सीस्मिक वेव्स प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल जैसे सीस्मिक वेव्स ट्रैवल विद डिफरेंट विलोसिटी दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लेयर तो लेयर के ऊपर डिपेंड करती है उसकी विलासिटी और यही इसकी फ़ीचर है जिसकी वजह से हम लोग अपने अर्थ को डिवाइड कर पाए हैं ओके okay. तो जैसे हमें कॉन्टिनेंट्स हैं ओशियंस हैं बेसिकली ये क्रस्ट का पार्ट है फिर नीचे जाते हैं तो एस्थिनोसफेयर एस्थिनोसफेयर इज बेसिकली पार्ट्स ऑफ अपर मेंटल एंड क्रस्ट इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हमारे एस्थीनोसफेयर होता है एंड देन वी हैव मेंटल आउटर कोर विच इज लिक्विड एंड देन वी हैव कोर आउट बेसिकली इनर कोर ओके okay, तो जो हमारी हमारे पास बेसिकली दो तरह की वेव्स होती हैं एक होती हैं सेकेंडरी वेव्स एक होती हैं प्राइमरी वेव्स बेसिकली और वी कैन से अभी हम लोग सिर्फ इतना समझ सकते हैं इन चीज़ों को अगर एक ले मैन की तरह समझे कि जो वेलोसिटी जो वी पी है और वी है ऐसा दोनों बेसिकली वेलोसिटी है हमारी पी वेव्स और एस वेव्स की तो ये डिपेंड करती है लेयर की डेंसिटी के ऊपर अब जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे कहीं कही ना कहीं दोनों बढ़ेंगी इनकी विलोसिटी लेकिन जहाँ कम हो जाएगी वहाँ कम हो जाएगी इनकी विलोसिटी लेकिन जो हमारी पी वेव है जो हमारी पी वेव है इसकी विलोसिटी ज़ीरो नहीं होती कभी भी लेकिन जो एस वेव है ये लिक्विड के अंदर ज़ीरो हो जाती है अभी अगर हम लोगों ने ऊपर से आ, पी और एस वेव या फिर छोटा मोटा अर्थ को एक हमने जनरेट कर दिया फिर हमने रिलीज़ की इन विलोसटी को रिलीज़ हो गई तो जब ये यह यहाँ से पास आउट करेंगी तो हम इनके इफेक्ट्स को नोट करेंगे कैसे ये इंक्रीज डिक्रीज़ करनी है तो ये देखा गया कि जो वी एस है बेसिकली सेकेंडरी वेव्स हैं वो लिक्विड के अंदर तो लिक्विड कौन है आउटर कोर है तो इसने बताया कि जो हमारी नीचे कोई ना कोई ऐसा इतने डेप्थ पे या फिर हम लोग कहें कि ट्वेंटी नाइन हंड्रेड की डेप्थ पे आने के बाद जो हमारे पास लेयर आ रही है जिसको हमने आउटर कोर बोला है वो लिक्विड फेज के अंदर है तो ऐसे हमें इनकी हेल्प से इसकी लेयर uh, के बारे में पता चलता है ओके okay, वैसे हम लोग इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे अलग से सेपरेट uh, वीडियो में पर फिलहाल के लिए मैं इन चीज़ों को इतना समझना चाहिए द द द सिस्मिक टेल्स अस अबाउट ऑफ लेयर ओके इन प्रीवियस स्लाइड वी कैन सी द दिलोस्टिक्वे हम विस्टिक कर्व को भी देखेंगे और साथ में डिफरेंट डिफरेंट अनकन्फर्मिटी या फिर डिसकंटीन्यूटीज को भी डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन अर्थ कैन बी डिवाइडेड इंटू मेनी लेसिकली प्रीवियस नहीं आएगा ये तो कौन सी कौन सी हमारे पास इसमी इन्वेस्टिगेशन की बेसिस डिवाइड किया क्रस्ट मेंटल इनर कोर एंड आउटर कोर आउटर कोर इज बेसिकली लिक्विडली वी हैव क्रस्ट क्रस्ट इज दउटर लेयर मेड ऑफ लाइटर एलिमेंट्स इट इज द अपर मोस्ट सॉलिड शेल ओके विच मेक्स लेस देन 1 परसेंट ऑफ द अर्थ मास इट इज़ द थिनेस्ट प्लेयर अगर कॉन्टिनेंट्स की बात करें जो हमारी क्रस्ट है वो 30 टू 40 किलोमीटर बना रही है लेकिन अगर ओशंस की बात करें एज वी नो ओशंस आर लेस इन थिकनेस 5 टू 8 किलोमीटर एंड अंडर द माउंटेन्स इट कैन रीच टू 60 टू सेवेंटी किलोमीटर थिक ओके okay, लेकिन हम लोग ऑन एन एवरेज अगर कोई हमसे पूछे तो हम लोग इसको थर्टी टू थर्टी फाइव किलोमीटर कह सकते हैं लेकिन कोई स्पेसिफिक पूछे भी ओशन का बताओ कॉन्टिनेंट्स का बताओ तो हम इसको सेपरेटली बता सकते हैं ओके एट द बॉटम वेव्स इंक्रीजेस एब्रप्टली वेन इट एंटर द डेंसर लेयर कॉल्ड मेंटल जब ये मेंटल में एंटर करती है तो वेव्स की विलोसिटी बढ़ जाती है अचानक से ऐसा क्यों क्योंकि डेंसिटी बढ़ रही है डेंसिटी मैंने कहा ना ये डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं लेयर की डेंसिटी के ऊपर इसलिए वेव्स की वेलोसिटी बढ़ जाएगी और जो हमारे पास क्रस्ट मेंटल की बाउंड्री पे एक अनकन्फर्मिटी आती है जिसका नाम है मोहो डिसकन्टीन्यूटी देन वी हैव सिलिका एंड अलुमीनियम आर द मोस्ट डोमिनेंट कॉम्पोनेंट इन द अर्थ क्रस्ट ओके तो बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी क्रस्ट है उसके अंदर सिलिकन अलूमियम और इसके अलावा इनकम्पेटिबल एलिमेंट्स ये सब डोमिनेंट होते हैं और अदरवाइज जो हमारी मेंटल और कोर है उसके अंदर आयरन मैग्नीशियम इन सब की इनरिचमेंट होती है ओके एंड जो हमारी क्रस्ट है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है सबको पता ही है ओशन क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कॉन्टीनेंटल क्रस्ट है उसकी मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज है वो मतलब जो सेवेंटी है वो किसके लिए थी माउंटेन्स के लिए ओके okay? तो फिफ्टीन टू सेवेंटी हम लोग इसकी एक मैक्सिमम रेंज लिख लेते हैं लेकिन अगर कोई और भी हमें लेमैन लैंग्वेज में बताना हो तो थर्टी टू थर्टी फाइव किलोमीटर ओके देन ओशनिक क्रस्ट की बात करें तो ओशन क्रस्ट की अप्रोक्सीमेट जो एवरेज थिकनेस है वो फाइव किलोमीटर थिकनेस है जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो लाइट कलर्ड की है इसका मतलब जो इसके अंदर जो मेन तरह की जो मेन रॉक्स हैं वो कौन सी हैं वो ग्रेनेटिक हैं लेकिन जो हमारी ओशनिक है उसके अंदर बेसोल्टिक हैं और हमें पता है कि बेसॉल्ट के अंदर आयरन और मैग्नीशियम इनरिच्ड होता है जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सिलिकन और एल्यूमिनियम में रिच होती है देन जो हमारी क्रस्ट इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू टू लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन के बेसिस पे फर्स्ट आगे हमारे पास सियाल देन वी हैव सीमा अब सियाल और सीमा को हम लोग कैसे समझेंगे इट इज द अपर मोस्ट कॉन्टिनेंटल जो ऊपर वाली है वो सियाल है और जो नीचे वाली है वो सीमा है जो सियाल की कॉम्पोजिशन है ग्रेनेटिक है इसकी जो कॉम्पोजिशन लिखी नहीं हुई ऑब्वियसली ये दोनों ग्रेनेटिक ही हैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और इन ओशन बेसिन सियाल प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि ओशन फ्लोर्स आर रिच इन एल्यूमिनियम हैंसोल्ट एन बेसोल्ट ऑन ओशियन तो ओशन के अंदर हम वैसे ही पता है कि जो हमारी ग्रेनाइट है वो ग्रेनाइट जो होती है वो कॉन्टिनेंट की तरफ मिलती है और जो ओशन क्रस्ट जो होती है वो हमारी बेसोल्ट की होती है अब ओशन के अंदर तो हमें स्याल है ही नहीं इसने पहले ही बोल दिया तो ओशन के अंदर हमारे पास क्या हो गया ग्रेनेटिक कंपोजिशन भी नहीं होगी इसका मतलब जो हमारे ओशियंस हैं वो बेसॉल्ट के ही हमें डायरेक्ट विजिबल होंगे और अगर हम लोग बात करें भाई क्या बेसॉल्ट हमारा कॉन्टिनेंट के अंदर होता है हाँ बिल्कुल होता है तो स्टार्टिंग में तो हमें ग्रेनेटिक कंपोजिशन होगी पर जैसे जैसे हम लोग डेप्थ के अंदर जाएंगे हमें बेसॉल्ट भी मिलेगा हम बाद में ऑफेलाइट के बारे में जब स्टडी करेंगे तब इस चीज़ को समझ पाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्टिनेंट के अंदर बेसॉल्ट नहीं है लेकिन ओशन के अंदर बेसॉल्ट एक्सपोज है क्योंकि वहां पे ग्रेनेटिक या फिर सियाल एबसेंट है ओके okay, तो दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें सीमा को इट इज लोअर कॉन्टिनेंट क्रस्ट इट हैज थिकनेस ऑफ अबाउट 22 किलोमीटर और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है सीमा और आउटर सीमा और इनर सीमा इतनी डिटेल हमें नहीं चाहिए तो अभी बात को समझते हैं इनको याद करने का तरीका देखो सीमा और सियाल को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सर्दियाँ आती हैं तो विंटर सीजन में हम लोग क्या करते हैं जैकेट डाल लेते हैं बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं लेकिन फिर भी हमें कई बार ठंड लग सर्दी लगती है ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं कि ऊपर से एक सियाल ओढ़ लेते हैं तो जो ऊपर वाला होगा हमारा वो क्या होगा सियाल होगा अपर मोस्ट हमारा क्या होगा वो सियाल होगा उसके नीचे सीमा आएगा तो ऐसे हम लोग इसको देख सकते हैं सिमिलरली हम इसकी कॉम्पोजिशन भी याद कर सकते हैं कि आ, ये हमारा सिलिकन हो गया ये हमारा एल्यूमिनियम हो गया ठीक है ये हमारा मैग्नीशियम हो गया इसके अंदर ऐसे हम लोग इसको देख सकते हैं लेकिन ये हमारे एक चीज़ अगर याद रहेगी तो दूसरी दूसरी ऑटोमेटिक हम उसको रिलेट कर सकते हैं ओके फाइन देन जो सीस्मिक डिस्कटीन्यूटी बिटवीन द सीमा एंड द सियाल अब सियाल और सीमा के बीच में भी एक अनकन्फर्मिटी या फिर डिसकन्टीन्यूटी आती है टेन टू थर्टी किलोमीटर डेप्थ के ऊपर उसको बोल देती हैं कॉनरड डिसकंटिन्यूटी मैं आपको सारी जितनी भी डिसकंटिन्यूटीज हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में अच्छे से अभी के लिए समझो कि सीमा और सियाल के बीच में कॉनरड डिसकंटिन्यूटी और हमने एक एक पहले भी कर रखी है क्रस्ट और मेंटल के बीच में ओके फाइन देन अभी हम समझते हैं मैंने आपको एक बात कही थी पहले कि जो वेलोसिटी के अंदर फॉल आता है कब जब हम लोग मेंटल से कोर के अंदर जा रहे होते हैं देन वी हैव रेपिटी डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल दोनों मेंटल के बीच में कौन सी है रेपिटी देन गुटनबर्ग इन बिटवीन द लोअर मेंटल एंड आउटर कोर और वी कैन से मेंटल एंड कोर मेंटल एंड कोर देन इनर कोर एंड आउटर कोर के बीच में ले मैन ओके फाइन ये तो हमने इसके नाम देख लिए तो अब याद कैसे करें याद करेंगे देखो अभी जैसे सबसे बेस के अंदर कौन है लेमैन बैठा है लेमैन सबसे बेस के अंदर कौन है लेमन बैठा है अब बेस के अंदर लेमन बैठा है उसका इतना हाई प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन के अंदर दम घुट रहा है दम घुट रहा है मतलब गुटन ओके और यही कंडीशन उसको बार 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 फेस करनी पड़ रही है मतलब रिपीटिटी रिपीटी ओके अब एक बात हम लोग ये समझ सकते हैं कि आज के टाइम पे जैसे कोरोना वायरस कितना फैला हुआ है तो सबसे ऊपर कौन को आएगा कोरोनड ठीक है और बीच में जो बच गई हमारी मोहो तो एक ये एक तरीका हो सकता है इसको याद करने का कि सबसे बेस में लेमैन है जिसका दम घुट रहा है और कंटिन्यूसली इसका दम घुटते ही जा रहा है घुटते ही जा रहा है रिपीटेशन मोड पे है रिपीटिंग तो इस तरीके से हम लोग सारी डिसकंटिन्यूट को डिसकॉन्टीन्यूटिज को याद कर सकते हैं तो अभी बात करते हैं मेंटल के बारे में तो मेंटल को डिस्कस करने से पहले एक बार हम लोग डायग्राम को समझते हैं सो देखो बेसिकली जो डिवीजन है वो दो तरीके से की गई है एक तो क्रस्ट मेंटल कोर सिंपली ओके एक ऐसे की गई है कि उसके फेज के बेसिस पे जैसे हमारी लिथोस्फीयर है जो कि सॉलिड है फिर पार्शली मोल्टन फॉर्म में एस्थेनोस्फीयर है देन हमारे पास लोअर मेंटल है जो कि वो भी रिजिड है आउटर कोर वो लिक्विड है और जो हमारी इनर कोर है वो भी रिजिड है ठीक है तो एक तो इस तरीके से की गई है एक क्रस्ट मेंटल कोर हमने सिंपल इसको ओवरव्यू uh, दिया है इसका ओके okay? मतलब दो तरीके से इसकी डिवीजन की गई है तो ताकि हम इस चीज़ को समझ पाएँ कि लिथोस्फेयर या किस बेसिस पे बे कह रहे हैं कि जो हमारा लिथोस्फेयर है उसने ऑलरेडी पूरी की पूरी क्रस्ट को कवर कर लिया है साथ में तो लिथोस्फेयर इज दी पूरी क्रस्ट रिजिड क्रस्ट एंड पार्ट ऑफ अपर मेंटल नॉट होल मेंटल तो लिथोस्फियर की डेफिनेशन ही हो जाती है एंड लिथोस्फेयर के नीचे एक मोल्टन फॉर्म में मोल्टन फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा एस्थीनोसफियर आ जाएगा ओके फाइन सो तो जो मेंटल है वो 82 परसेंट कवर करती है वॉल्यूम वाइज एंड अगर थिकनेस की बात करें डेप्थ की बात करें तो 2900 किलोमीटर तक उनतीस सौ किलोमीटर तक हमें नीचे तक कौन मिलेगा मेंटल मिलेगी उसके बाद एक आउटर कोर स्टार्ट हो जाएगी एंड एंड एक माइल के अंदर 1.6 किलोमीटर होता है ओके तो ये रिलेशन हम लोग ध्यान में रख सकते हैं तो द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड द मेंटल रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑब्वियसली केमिकल कॉम्पोजिशन में तो चेंज आना ही चाहिए तो डोमिनेंट रॉक टाइप अब समझ बात को केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज का मतलब क्या हो गया उसके एलिमेंट्स में चेंज आना एलिमेंट्स में आयंस में अगर इन सब में चेंज आएगा तो क्या मिनरल्स में चेंज आएगा बिल्कुल आएगा अगर मिनरल्स में चेंज आएगा तो क्या रोक में चेंज आएगा बिल्कुल आएगा तो मेंटल के अंदर जैसे हमारे पास पे पेरिडोटाइट नाम की रोक पाई जाती है लेकिन जब हमने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या फिर ओशनिक क्रस्ट की बात करी वहां तो हमने ग्रेनाइट एंड सॉल्ट की बात की थी ओके तो यहाँ पे आके रॉक्स भी हमारी दूसरी आ जाएंगी वैसे हम लोग पेट्रोलॉजी के अंदर सारी रॉक्स डिटेल में डिस्कस करेंगे देन हमें पता ही है कि मेंटल की दो डिविजन्स हैं अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल फर्स्टली जो अपर मेंटल है द अपर मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम द क्रस्ट मेंटल बाउंड्री बाउंड्री से लेकर के नीचे तक सिक्स सिक्सटी किलोमीटर तक हमें अपर मेंटल पाई जाती है अपर अपर मेंटल को डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स मैंने पहले कहा था आपको कि मेंटल बेसिकली एक पार्ट है किसका लिथोस्फीयर का एंड लिथोस्फीयर के नीचे कौन है एस्थिनोस्फीयर है आप इस बात को भी समझ रहे हो क्योंकि आपने डायग्राम को देख लिया है द लिथोस्फीयर बेसिकली द स्फीयर ऑफ रॉक कंसिस्ट ऑफ एंटायर कर्स्ट एंड अपर मेंटल या फिर पार्ट्स ऑफ अपर मेंटल लिथोस्फीयर इज ओके एंड फॉर्म्स अर्थ रिलेटिवली कूल रिजिड आउटर शेल ये आउटर शेल बनाता है जो कि रिजिड होता है अर्थ का एवरेजिंग अबाउट इसकी हंड्रेड किलोमीटर इसकी थिकनेस रहती है और मैक्सिम इसकी टू फिफ्टी तक हो सकती है पर जनरली हम लोग हंड्रेड टू टू किलोमीटर इसकी थिकनेस लेके चलते हैं लिथोसफेयर की ओके बीनीच द स्टिफ लेर स्टिफ लेर माने लिथोसफियर तो लिथोस्फेयर के नीचे मतलब हंड्रेड टू टू किलोमीटर डेप्थ के नीचे एक सॉफ्ट कंपेरेटिवली एक सॉफ्ट हमें लेयर मिलेगी या एक जोन मिलेगा जिसको हम देंगे नाम एस्थिनोसफेयर या फिर इसको वीक स्फेयर तो ये वो पोर्शन है वो रीजन है जहाँ पे मोल्टन फॉम में रहेगी हमारी रॉक अगर कोई रॉक मोल्टन फॉर्म में रहती है तो उसको हम मैग्मा भी कह सकते हैं ओके okay, पर यहाँ पे कम्प्लीटली मैग्मा नहीं है वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर पर यहाँ पे मोल्टन फॉर्म में रहता है ये मतलब यहाँ से हमारे मैग्मा का जनरेशन होता है ओके द टॉप पोर्शन ऑफ द एस्थिनोसफियर हैज़ द टेम्परेचर प्रेशर रिजाइम दैट रिजल्ट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ मेल्टिंग यहाँ से मेल्टिंग का हमारा रिजल्ट होता है मतलब यहाँ से क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर कंडीशनी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे हमारा मैग्मा का जनरेशन होना है विद इन दिस वीक जोन द is इज मकैनिकली डिटैच फ्रॉम द लेयर बिलो जो हमारी आ, इस, इस थिनोस्फीयर के ऊपर हमें पता है कि लिथोस्फीयर है वो है लेकिन मकैनिकली डिटैच फॉर्म में है अटैच नहीं है डिटैच है वो तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा आप इस बात को ये समझ सकते हो कि जैसे एक बकेट के अंदर आपने लकड़ी के टुकड़े को डाल दिया है ठीक है और तो लकड़ी का टुकड़ा है जो वो उसके ऊपर स्लाइड पास कर सकता है मूव कर सकता है यहां वहां जा सकता है फिजिकली वो उसके साथ है लेकिन वो उसके बिल्कुल रिजिड फॉर्म में नहीं है कि हाँ अटैच नहीं है वो वो फ्रीली मूव कर सकता है सेम ऐसे ही हमारी जो हमारी प्लेट्स हैं अर्थ की जो प्लेट्स हैं या फिर हम लोग कहें तो लिथोस्फीयर का नाम देते हैं वो एस्थिनोस्फेयर के ऊपर मूव करती हैं ओके सो so, यही हमारा मैकेनिज़्म होता है प्लेट्स की मूवमेंट का जैसे हमारी इंडियन प्लेट मूव करते करते ये हिमालयंस का फॉर्मेशन हुआ है जब हम प्लेट की कोलिजन्स पढ़ेंगे ना तब उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे पर फिलहाल इस बात को समझते हैं वहाँ पे मैकेनिज्म भी समझेंगे कैसे स्थिनोसफियर की मूवमेंट से अंदर करंट्स जनरेट होते हैं उन करंट्स की मूवमेंट से हमारी प्लेट्स मूव करती हैं ऊपर से ना नीचे करंट जनरेट होते हैं वही करंट प्लेट्स को मूव करवाते हैं ओके द रिजल्ट इज दैट द लिथोस्फीयर इज एबल टू मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ द अटैच्ड एथिनोस्फीयर ठीक है तो इट इज इंपॉर्टेंट टू इम्फेसाइज दैट द स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस अर्थ मटेरियल इज फंक्शन ऑफ बोथ कंपोजिशन एंड टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ द एनवायरमेंट ऑब्वियसली बात है अब किसी भी जो अर्थ का मटेरियल है जो उसकी स्ट्रेंथ होगी अब किसी भी उसकी स्ट्रेंथ कोई रॉक की जो होगी कोई भी मटेरियल उसकी स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन और उसकी कॉम्पोजिशन कि वो कॉम्पोजिशनली स्ट्रॉन्ग है वीक है उसके ऊपर डिपेंड करेगी ठीक है तो लिथोस्फियर बिहेव्स लाइक ब्रिटल सॉलिड सिमिलर टू द रॉक फाउंड ऑन द सरफेस तो ऑब्वियसली तो ये क्रस्ट कई पार्ट है कहीं कही ना कहीं या फिर क्रस्ट लिथोस्फेयर का ही पार्ट है तो ये भी क्रस्ट की तरह ब्रिटल नेचर होती है इसकी रेदर द रॉक्स ऑफ लिथोस्फेयर गेट प्रोग्रेसिवली हॉटर एंड वीकर जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि नीचे तो हमें पता है कि एस्थिनोसफियर है और हमारा ऊपर क्या है लिथोस्फेयर है अब ऊपर से जब नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या मोर होटर नहीं होगा अगर होटर होगा टेम्परेचर प्रेशर बढ़ रहा है ये हमारा एस्थिनोसफेयर है तो क्या वो मोर वीकर नहीं होगा क्योंकि वो मोल्टन स्टेट की तरफ बढ़ता जा रहा है ऊपर से रिजिड रहेगा ब्रिटल रहेगा नीचे से वो आ, उसके अंदर होटनेस आती रहेगी उसका टेम्परेचर मतलब मेल्टिंग पॉइंट तक वो रीच करता रहेगा अपना ओके okay? तो एट द डेप्थ ऑफ द अपर मोस्ट स्थेनोसफियर अपर मोस्ट स्थेनोसफियर की डेप्थ पे द रॉक्स आर क्लोज इनफ टू देयर मेल्टिंग टेम्परेचर वही बात मैंने अभी बोली दैट दे आर वेरी इजिली डिफॉर्मड दज द अपर मोस्ट एस्थीनोसफियर इज वीक अपर मोस्ट एस्थिनोसफियर ये वाला पोर्शन इज वीक बट इट इज नियर इट्स मेल्टिंग पॉइंट जस्ट एज हॉट वैक्स इज वीकर देन द कोल्ड वैक्स ओके बिल्कुल सिंपल लिखा है आप इजीली समझ सकते हो देन बात करते हैं लोअर मेंटल की लोअर मेंटल अब अपर मेंटल कहाँ से कहाँ तक थी अब कहाँ तक पहुँच गई हैिक्स सिक्सटी तक पहुँच गई है एंडिंग कहाँ हो in पे होगी ट्वेंटी नाइन किलोमीटर तक ट्वेंटी नाइन हंड्रेड किलोमीटर तक इज़ दी लोअर मेंटल बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्रेशर अब यहाँ पे ओवरलाइंग प्रेशर जो ऊपर इतनी सारी रॉक्स हैं इतना अमाउंट ऑफ प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से रॉक्स जो लोअर मेंटल के अंदर है वो स्ट्रेंथन हो जाएंगी काफ़ी हाईली प्रेशराइज सिचुएशन के अंदर है तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी विद द डेप्थ डिस्पाइट देर स्ट्रेंथ रॉक्स विद इन द लोअर मेंटल आर वेरी हॉट एंड कैपेबल ऑफ ग्रेजुअल फ्लो अब हमने प्रेशर का इफेक्ट तो देख लिया लेकिन क्या टेम्परेचर भी तो ग्रेजुअली बढ़ी रहे साथ साथ तो वो हॉट इनफ भी होती हैं और कैपेबल होती हैं मूव करने के देन द लास्ट पोर्शन वी हैव द कोर इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो जैम के अंदर आए हुए हैं देन जो कोर है कम्पोजिशन ऑफ कोर इज थॉट टू बी आयरन निकल एलोहे आयरन निकल इसके अंदर डोमिनेंट होता है कोर के अंदर विद द माइनर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सिलिकन और सल्फर एलिमेंट दट रेडली फॉर्म कंपाउंड विद आयरन एट द एक्सट्रीम प्रेशर फाउंड इन द कोर कोर के अंदर बहुत एक्सट्रीम प्रेशर होता है द आयरन रिच मटेरियल हैज एन एवरेज डेंसिटी ऑफ नियरली इलेवन और वी कैन से टेन ग्राम पर सी सी एंड अप्रोचेज फोर्टीन टाइम द डेंसिटी ऑफ वाटर तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा डेंसिटी है तो अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ भाई ओवरऑल डेंसिटी क्या है अर्थ की तो हम कहेंगे फाइव पॉइंट फाइव ग्राम पर सीसी जो हमारी क्रस्ट है वहाँ पे डेंसिटी मिनिमम है जो हमारी कोर है वहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम है तो ऑन एन एवरेज हमारे पास कितनी आ जाती है फाइव पॉइंट फाइव ग्राम पर सी सी ओके द कोर को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिकल स्ट्रेंथ आउटर कोर एंड इनर कोर जो आउटर कोर की थिकनेस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इनर कोर इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मेटेलिक आयरन इसके अंदर इनरिच्ड होता है विद इन द जोन ऑफ दैट जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड यहीं से हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है एज इट इज़ इन द दल्सो मोल्टन फॉर्म है ना हमने जब विलोसिटी जब हमने देखी थी सेकेंडरी वेव्स की विलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाती है द इनर कोर की बात करें Despite the higher temperature, the iron in the inner core is solid. यहाँ पे जो हमें आयरन देखो इसका रीजन यही है कि आयरन देखो अभी काफ़ी कि हैवी एलिमेंट है अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा अक्यूमलेसन हो रही है पूरे की पूरी अर्थ का कही न, कहीं ना कहीं आयरन कंसनट्रेट होगा कहीं पे तो होगा सेंटर में होगा तो यहाँ पे हमें सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है इतना प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन हाई होती हैं तो ये सब देखो फैक्ट्स भी हैं चीजों को हमें याद भी करना चाहिए और चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए ओके लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चन यू कैन सी द क्वेश्चन हेयर विच अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नॉन सेटेलाइट सेटेलाइट और वी कैन सी मून जैसे अर्थ के ऊपर मून होता है तो मरकरी पे जीरो मरकरी वीनस अर्थ वीनस पे जीरो अर्थ पे वन एंड मार्स पे टू एंड ऑप्शन बच गया हमारे पास ये तो दिस विल बी द आंसर आई थिंक यूरेनस पे ट्वेंटी सेवन होते हैं द सेकेंड क्वेश्चन ये अभी शायद लेटेस्ट क्वेश्चन ये जैम के अंदर आया हुआ है तो इसमें क्या दिया कि कॉर्नोरड हमें डिसकन्टीन्यूटी मैच करनी है मोहो गोटनबर्ग लेमैन लेमैन से स्टार्टिंग करते हैं लेमैन हमें पता है कि सबसे जो लेमैन है वो सबसे नीचे अंदर अंदर होता है तो आउटर कोर एंड इनर कोर तो एस का थ्री एस का थ्री एंड एस का थ्री ओके देन सबसे ऊपर कोरोना वायरस जैसे मैंने कहा था आपको सिंपली याद करने के लिए कोनोरड so, तो कोनोरड हमारा हो जाएगा अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट ओके पी का फोर पी का फोर देन हमारा आंसर तो ए हो चुका है ओके okay, मोहो हो जाएगी हमारी अपर मेंटल एंड क्रस्ट हाँ बिल्कुल सही बात है क्यू का टू एंड आर का वन होना चाहिए फिर गोटनबर्ग आउटर कोर एंड लोअर मेंटल ओके okay, बिल्कुल सही बात है क्योंकि ले का दम घुटता है तो सबसे पहले ले फिर गोटनबर्ग फिर सबसे ऊपर कोरोना एंड देन हमने इसको रिपीट ही कहाता था रिपीट आता था मेंटल के बीच में है ना नउटर अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में तो हम लोग इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो